तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज सेम डे है जब मैं ये दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी हो चुकी है, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे अपने गाड़ी में एक्सेसरीज वगैरह फिट कराने के लिए। तो अगर यहाँ आसपास रहते हो दिलशाद गार्डन के आसपास, तो फिर ये है शॉप। मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ, अब्बास कार केयर दिलशाद गार्डन में। एंड ये रही अपनी गाड़ी, और अभी इसमें जो जो सामान लग रहा है वो सामान मैं धीरे धीरे बता दूंगा, फिर एंड में सारा कुछ बता दूंगा जो भी सामान इसमें लगा हुआ है या फिर लग रहा है। फिलहाल तो जो है एंड्रॉयड जो है वो सेट हो रहा है, इसमें फिटिंग हो रही है। तो अभी फिलहाल जो है एंड्रॉयड इसमें फिट हो रहा है, पहले दिन ही खोल दिया है गाड़ी को। और ये पूरा का पूरा कपलर टू कपलर ही फिटिंग होगा। जो एंड्रॉयड में अभी लगा रहा हूँ वो है कनेक्ट ऑडियो का जो सिस्टम लग रहा है। एंड अभी फिटिंग हो जाएगा, जब फिटिंग हो जाता है तो फिर मैं आगे का आपको सारा बताऊंगा क्या हिसाब किताब है इसमें। एंड बेसिकली इसमें एस्प्रेसो का फ्रेम भी एक आता है, ये आप देख सकते हो ये वाला फ्रेम आता है। एंड इसी पे ही ये सेट हो जाएगा। ये है बेसिकली जो ऑडियो सिस्टम है, ये 9 इंच का है, 2 GB रैम के साथ और 16 GB रोम है। एंड अभी ये फिटिंग चल रही है। ये हमारा एंटीना का कपलर आ गया, ठीक है। ये USB केबल हो गई, RC पोर्ट, रिवर्स पोर्ट, ठीक है। माइक्रोफोन, हाँ ये माइक्रोफोन, ओके। ये GPS एंटीना, ठीक है। ये USB केबल, ठीक है। बाकी प्रोसेसर बताते हैं हम आपको। ओके, तो इसमें सिम डलेगा GPS में कि वाईफाई से? मोबाइल के हॉटस्पॉट से। अच्छा, हॉटस्पॉट से। अच्छा, ये सिग्नल के लिए होता है बस। GPS का, हाँ सर। अभी इसमें जो है रियर स्पीकर्स अभी इंस्टॉल होने वाले हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारे, मतलब मुझे कोई वीडियो ऐसा नहीं मिला था YouTube में कि इसमें रियर स्पीकर कहाँ पे फिट होगा। तो ये अभी आप देख सकते हो, जैसे डोर का ये कवर जो होता है ये तो खुल गया, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस दे रखा है, वैसे स्पीकर यहाँ पे फिट हो जाता है, ठीक है। ये स्पेस दे रखा है, बट इस पे जाली नहीं है तो उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, है ना भाई कदम भाई? कटिंग करनी पड़ेगी ना इसके स्पीकर के लिए? हाँ जी, बस इसमें दे रखा है, अंदर दे रखा है फ्रेम के लिए। हाँ, यहाँ पे जो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी ना, हाँ बस वहाँ पे बॉक्स जाली लग जाएगा, अच्छा लगे। हाँ, जाली लग जाएगी। हाँ, तो यार अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 बज रहे हैं। एंड्रॉयड सिस्टम तो लग चुका है ऑलरेडी, और अभी जो है स्पीकर्स अभी लग रहे हैं पीछे रियर में। तो रियर में जो है इसके गेट पे जो होता है उस पर कटिंग हो गई, अभी वायरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि इसमें वायरिंग पहले से नहीं आती है, वायरिंग करना पड़ता है और वो कनेक्ट हो जाता है कपलर। तो ये है स्पीकर JBL के, एंड प्राइस वगैरह मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा डिटेल। ये कैमरा नाइट विजन वाला कैमरा है, ये इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी, राइट। और उसके अलावा एंड्रॉयड का सिस्टम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये अभी फिट हो चुका है फ्रेम में, फ्रेम के अंदर ही फिट हो चुका है पूरा। तो बाकी उसके अलावा ये जैसे वाइजर्स हैं डोर के, ये फिट हो गया है। अभी मैंने डोर की क्लैडिंग जो होती है, जो साइड यहाँ पे पट्टी आती है एस्प्रेसो की,
वो मोटी वाली आती है जो कंपनी की तरफ से आती है, वो यहाँ बाहर नहीं मिल रहा है। बट बाकी वैसे उन्होंने बोला है कि पता करके बताएंगे। अगर वो सिक्योरिटी के लिए वैसे गियर लॉक इंस्टॉल करवाया है। तो यार अभी जो है इसके स्पीकर्स की फिटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो स्पीकर्स की जो फिटिंग हुई है वो मैं आपको एक बार गेट पे दिखा देता हूँ, तो फिटिंग होने के बाद कैसा है आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी फिटिंग चल ही रहा है। तो यार अभी टाइम हो रहा है 8:48 एंड ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं अभी रात को। तो सारा काम हो चुका है खत्म एंड अभी एक बार फाइनल लुक दिखा देता हूँ गाड़ी की। तो ये जो है लास्ट ये साइड बिडिंग लग रही है, ये कंपनी वाला मैं लगवाने वाला था बट उसके लिए वेट भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है। मेन तो सेफ्टी का पर्पस है, तो ये भी ठीक ठाक काम कर देता है जो इसका जिस पर्पस के लिए लगाया जा रहा है, तो वो ये काम कर देता है। तो ये है अभी कुछ फाइनल लुक अभी जो गाड़ी की आ रही है, ठीक है। एंड और पीछे से जो है, क्योंकि वैसे तो कोई एज सच कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, आपको अगर जो चेंजेस दिख रहे होंगे नीचे जो है ये गार्ड, एक बम्पर गार्ड लगा रखा है। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इससे लुक खराब हो जाती है गाड़ी की, बट सेफ्टी जरूरी है लुक से ज्यादा। एंड ये जो है बम्पर, मतलब ये साइड के थोड़े गार्ड टाइप के हैं, तो ये सब है। एंड इस तरफ अभी लग रहा है साइड जो बिडिंग है। एंड सामने भी कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो हिस्सा आप देख रहे हो। तो बाकी जो इंटरनल जो अंदर की जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाई दूंगा, दिन में सारा कुछ दिखा दूंगा। तो यार सारा का सारा काम जो है वो हो चुका है, गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट भी हो चुकी है, सारा कुछ डिटेल मैं आपको बता दूंगा एंड वो सब दिन में बात कर लेंगे। बट अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओनर जो है यहाँ के उनसे मिला देता हूँ। तो भैया अपना नाम बता दो और अपना फ़ोन नंबर बता दो। सर शॉप का नाम अब्बास कार केयर, मेरा नंबर 9810049506, दूसरा नंबर है 9250505032। वैसे ये फ़ोन नंबर और जो डिटेल है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे आप लोगों को दे दूंगा अलॉन्ग विद द लोकेशन। बट फिर भी अगर कोई दिल्ली की साइड से आता है, जैसे शाहदरा की तरफ से आता है, या फिर अगर कोई गाजियाबाद की तरफ से आता है, तो भैया एक बार आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कैसे आना है। देखिए अगर जो आपने शाहदरा की तरफ से आना है तो शाहदरा का जो फ्लाईओवर है, पहला ही फ्लाईओवर उतर के ही जो पहला कट आएगा, पहले कट से ही आपने लेफ्ट होना है। लेफ्ट होते ही गोल चक्कर आ जाएगा, गोल चक्कर से कार मार्केट, कार मार्केट है, वहीं पर आगे मेरी शॉप है अब्बास कार केयर के नाम से शॉप है। राइट। और अगर कोई गाजियाबाद से आता है तो? गाजियाबाद से कोई आता है तो आपको दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ से आना पड़ेगा। वहाँ से जो दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से पहला कट है वहाँ से टर्न लेना पड़ेगा आपको। राइट। एंड सर्विस वगैरह की जो भी चीजें होती है यहाँ पे, कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो फिर उसकी सर्विस की सारी वारंटी है? वारंटी के लिए हमारे यहाँ से अपनी शॉप से वारंटी मिलती है आपको। और हमारे यहाँ एंड्रॉइड का जो रेट है वो 7,000 रुपये से लगभग शुरू हो जाते हैं, 6,500 रुपये से 7,000 रुपये से। और सारी रेंज है इसमें जी, सारी रेंज के एंड्रॉइड मिल जाएंगे आपको, जैसे भी आप चाहते हैं वो सब रेंज के एंड्रॉइड मिल जाएंगे। बाकी स्पीकर बाकी एंड्रॉइड के अलावा भी बहुत सारा कुछ सामान है। एक बार ही आपको मैं शॉप का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये शॉप स्टार्ट है यहाँ से, आप जैसे देख सकते हो ये स्पीकर सारे लाइंड अप है। यहाँ पे मैट वगैरह है और जो भी डोर की फिटिंग वगैरह, वाइजर वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे है। एंड्रॉइड आप पीछे देख सकते हो, ये व्हील के कुछ कैप्स वगैरह है और बाकी गोदाम में भी बाकी सारा कुछ सामान होता है। और यहाँ पे भी जैसे ये एंड्रॉइड का सारा कुछ सेटअप वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे, ये एंड्रॉइड का सारा सेटअप है। तो काफी रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे जो भी डीलिंग आपको करनी है। बाकी आप बता देना मेरा नाम कृष्ण कुमार, तो यूट्यूब चैनल देख के आए हो, तो फिर बाकी थोड़ा बहुत जो भी है एक्स्ट्रा रिगार्ड डेफिनेटली। फिटिंग की हमारी गारंटी है जी, फिटिंग से कोई भी वायर कट का कोई वो नहीं होता, जो भी है काम पहले वक्त किया जाता है। राइट। तो यार इससे पहले जो आपने मतलब जितना भी आपने क्लिप देखा था वो डिलीवरी वाले दिन का था एंड मैंने सारा का सारा जो है एक्सेसरीज वगैरह वो इंस्टॉल करा लिया था। थोड़ा बहुत कुछ जो रह गया था वो बाद में इंस्टॉल हो गया, तो
तो एक्सेसरीज वाला वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, इसके बाद आएगा सारा का सारा एक्सेसरीज जिसमें मैं कवर करूंगा, और साथ साथ जो है मैं उसमें उसके प्राइसेस वगैरह भी मैं कवर करूंगा। तो यार ये है अभी एक्सेसरीज वगैरह लगाने के बाद का लुक गाड़ी का, जो आपने रात में देखा था जब एक्सेसरीज इंस्टॉल कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे उतना क्लियर था नहीं लुक। तो ये है कुछ लुक गाड़ी का अभी एक्सेसरीज इंस्टॉल होने के बाद। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ बस, तो जो जो एक्सेसरीज लगी हैं वो मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगा अलग से, ठीक है। ये एक वॉक अराउंड आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या एक्सेसरीज मैंने अभी तक इसमें इंस्टॉल कराई हैं, थोड़ा बहुत आइडिया बाहर से जो आपको लग जाएगा। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो एक्सेसरीज पे बनाऊंगा उस पर मैं आपको डिटेल प्राइसिंग के साथ सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ये अभी फिलहाल लुक है गाड़ी का, ये साइड व्यू है, एंड दूर से अगर सामने से देखें तो फिर कुछ ऐसी लगती है अब गाड़ी, ठीक है। तो अभी चलते हैं, मैं सारी चीज़ें एक्सेसरीज बाहर से पहले दिखा देता हूँ, और फ्रंट से अगर दिखाऊँ तो फिर ये जो बम्पर प्रोटेक्टर है ये दोनों तरफ लगाया था, एंड उसके अलावा सामने कोई भी ऐसी एक्सेसरीज नहीं लगी है, और साइड में जो डोर प्रोटेक्टर्स होते हैं एक तरह से, ये जो गार्ड्स होते हैं ये मैंने लगाया था, और ये आई पॉप जिसे बोलते हैं डोर का थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है, जो भी है थोड़ा बहुत क्या प्रोटेक्ट करता है, वैसे भी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ही प्रोटेक्ट हो जाता है। एंड ये पीछे भी वैसे ही बम्पर प्रोटेक्टर्स हैं दोनों तरफ, और ये नीचे का जो बम्पर प्रोटेक्टर है ये लगा हुआ है, और बाहर से एक और एक्सेसरीज जो आपको ये बैक कैमरा जो है, ये बैक कैमरा इसमें मैंने इंस्टॉल कराया है, ये मूविंग कैमरा है, ठीक है। अब अंदर चलते हैं, पहले पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप पीछे देखो तो फिर इसमें पीछे क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हो रखी हैं। पहले तो डोर ओपन करने के बाद ये स्पीकर्स मैंने विद ग्रिल ये इंस्टॉल हो रखा है, ये वैसे ग्रिल तो निप्पॉन का है, बट वैसे जो है वो स्पीकर वो JBL के लगे हुए हैं, इसमें ग्रिल यही वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था तो ये मैंने लगवा लिया। एंड अंदर अगर आपको दिखाऊं तो फिर इस तरफ भी एक स्पीकर आपको मतलब दिख जाएगा, ऑब्वियसली दोनों साइड के स्पीकर्स हैं, और बाकी अभी मैंने सीट कवर्स जो है वो इंस्टॉल नहीं करवाए हैं। तो उसके अलावा मैंने ऑनलाइन जो परचेज किया था, ये एक्सेसरीज मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी, एंड ये बेसिकली क्योंकि इस वाले सीट में कोई पॉकेट तो है नहीं, तो और अभी मैंने कवर जो है वो इंस्टॉल नहीं करा है, तो फिर एक यूटिलिटी के हिसाब से मतलब अब जैसे ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, जैसे पीछे जो लोग बैठते हैं इसमें कोई सामान वगैरह रखना हो तो फिर आराम से इसमें दोनों साइड पॉकेट्स जो है वो मैंने इंस्टॉल कर दिए थे, ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर करा था। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ, मैं यहीं से ही दिखाने की कोशिश करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्रंट में व्यू थोड़ा सा जो है वाइड नहीं हो पाएगा। तो फ्रंट में आपको सबसे पहले जो है ये टच स्क्रीन दिख जाता है, ये एंड्रॉयड सिस्टम है, 2GB 16GB वाला वेरिएंट है, 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट है ये। एंड उसके अलावा अगर देखोगे आप मिरर जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे ट्विटर्स इंस्टॉल हो रखे हैं, तो बाकी स्पीकर्स जो इनबिल्ट थे वही हैं इसमें अभी भी, मैंने कोई स्पीकर आगे का चेंज नहीं करा, उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है, मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर आवाज़ शोर पसंद नहीं है, ठीक है, सूदिंग साउंड आना चाहिए, अगर तेज़ भी आप म्यूज़िक बजाते हो तो कान में चुभना नहीं चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं सुनाना है, तो उस हिसाब से मैंने इंस्टॉल करा है। एंड जो एक्सेसरी कंपनी की तरफ से एज ए गिफ्ट मिला था वो था ये स्टीयरिंग का कवर और मैट मिला था, बट जो मैट उन्होंने दिया था वो किसी काम का नहीं है, और मैंने जो मैट इंस्टॉल करे हैं वो ये वाले हैं, बेसिकली ये भी बेसिक मैट है एक तरह से, बट काफी अच्छा है, मतलब धूल मिट्टी काफी अब्जॉर्ब कर लेता है, आप आराम से इसको साफ कर सकते हो, बट जो कंपनी से मिला था ये वाले मैट्स मिले थे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, ठीक है। तो ये है कुछ एक्सेसरीज, और इसके अलावा तो मैंने ऑनलाइन ये चार्जर मैंने ऑर्डर किया था, एंड ये अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये यहाँ पे स्पेस बच जाता है तो फिर ये एक स्पेस कोऑर्डिनेटर है एक तरह से, मतलब स्पेस को यूटिलाइज कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से, एंड ये बेसिकली क्या है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ,
थोड़ा सा, तो ये जो है ये जो भी है ये डब्बे की तरह जो भी है ये चीज, तो ये काफी हेल्पफुल है वैसे, मतलब काफी चीजें इसमें आराम से आ जाती हैं। तो दोनों साइड मोबाइल्स वगैरह या फिर वॉलेट वगैरह वो सब चीजें, छोटा मोटा सैनिटाइजर का बॉटल, ये सब चीजें आराम से इसमें अब रख सकते हो। एंड ये दोनों इंस्टॉल करने की वजह से थोड़ा सा बीच में भी स्पेस इतना अच्छा बन गया कि कुछ भी आप रख सकते हो इजिली बिना गिराए। तो बस यही था एक्सेसरीज। और हाँ, एक ये आप देख रहे हो परफ्यूम एक उन्होंने गिफ्ट दिया था। एंड उसके अलावा ये मैंने मोबाइल होल्डर लगाया, ये व्लॉगिंग के लिए है मोबाइल होल्डर, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे इसमें जीपीएस है और इसमें मैप्स वगैरह सारी चीजें आ जाती है, जीपीएस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो कोई जरूरत नहीं है अलग से मोबाइल लगाने की, बट वो व्लॉगिंग के लिए है। एंड ये जो है एक्शन कैमरा यहाँ पे माउंट करने के लिए मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है, सो दैट कि एक्शन कैमरा को एज अ डैश कैम में यूज कर सकूं। अगर करूंगा उसको यूज तो फिर एक एक्शन कैमरा सोच रहा हूं डेडिकेटेड यहां पे लगा के छोड़ दूं, या तो फिर जो है मेरे पास वही जब भी गाड़ी में जाऊंगा तो फिर गाड़ी में, और जब बाइक में जाऊंगा तो बाइक में यूज हो जाएगा। तो ये थी एक्सेसरीज सारी की सारी जो कवर हो गई आई गेस। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेसरीज का जो प्राइस है वो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि किसका क्या प्राइस आया था, एंड अप्रॉक्स प्राइस ही बता पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, अप्रॉक्स प्राइस मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड बस इतना ही था, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया तो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो एंड शेयर करो दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय।